माननीय विधायक जी बच्चे भी देख रहे हैं, आप अपने स्थान पर जाएं, इसका समय तय है। विशेष सुविधा दी आपने, इनको विशेष सुविधा दी कि आपने पढ़वा भी दिया, और आपसे कार्य मंत्रालय में क्या बात हुई? आखिर इस तरीके से सदन को कैसे अपने मर्जी से चला सकते हैं? रात भर लोग मेहनत करके प्रश्न का जवाब बनाते हैं, आप उस प्रश्न के जवाब को जनहित में, बिहार के जनता के हित में सुने, प्रश्न को उठाए, ये उचित नहीं है। आप अपने स्थान पर जाइए, नहीं ये उचित नहीं है। आप सभी माननीय विधायक जी बच्चे भी देख रहे हैं, आप अपने स्थान पर जाएं, इसका समय तय है, उस समय फिर हम लोग बात करेंगे। अभी अपने स्थान को ग्रहण करें। महोदय, हम प्रक्रियात्मक मुद्दे पर बात कहना चाहते हैं कि कार्य स्थगन सूचनाएं जो आती है उसको आसन या तो स्वीकृत करता है या अस्वीकृत करता है। जो अस्वीकृत हो गया उसको तो पढ़ने का भी प्रावधान नहीं है, और आपने इनको विशेष सुविधा दी, आपने इनको विशेष सुविधा दी कि आपने पढ़वा भी दिया, और आपसे कार्य मंत्रालय में क्या बात हुई? आखिर इस तरीके से सदन को कोई कैसे अपने मर्जी से चला सकते हैं? ये तो कोई तरीका नहीं है महोदय। अब माननीय सदस्यगण सुनिए, सुनिए सुनिए पहले माननीय सुने मुकेश जी, माननीय विधायक, माननीय सदस्यगण, आज बक्सर जिला के विभिन्न स्कूल के बक्सर जिला के विभिन्न स्कूल के बच्चे यहाँ सदन की कार्यवाही देखने आए हैं। उन्होंने अपने जिला में बहुत ही मनोयोग से बाल युवा सांसद में भाग लिया है। आपसे आग्रह है कि इसका ख्याल रखें, ये उचित नहीं है। कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में जो निर्णय हुई है वो आपको सुनाया गया है, आप अपने स्थान को ग्रहण करें। कोई भी विषय आपके प्रोसीडिंग के पार्ट नहीं बनेंगे, प्रेस मीडिया के पार्ट नहीं बनेंगे। आप अपने स्थान को जाएं, नहीं सदन चलेगी। और आपको जानकारी दे दें कि आज भी सरकार की सजगता के कारण 100% प्रश्नों का जवाब आया है। अल्पसूचित तारांकित, रात भर लोग मेहनत करके प्रश्न का जवाब बनाते हैं, आप उस प्रश्न के जवाब को जनहित में, बिहार के जनता के हित में सुने, प्रश्न को उठाए, ये उचित नहीं है, ये कतई उचित नहीं है। एक सकारात्मक वातावरण बनाइए, आप अपने स्थान पर जाइए, नहीं ये उचित नहीं है।